हेलो एवरीवन वेलकम टू विजनरी क्लासेस टुडे वी विल डिस्कसिंग ऑन अ न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट वन दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो टर्म्स होते हैं जैसे कि आप यहां पे उनके जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू देयर यूनिट्स, रिलेटेड टू देयर इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन देयर मेजरमेंट्स ठीक है ये सब आपको जानने की बहुत जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ आप यहाँ पे उनके बेसिक जो पैटर्न है एटमोस्फेरिक प्रेशर का इन दी अर्थ वो भी आपको जानने की जरूरत है तो आज के क्लास में हम इन चीजों को बड़े बारीकी से हम डिस्कस करेंगे तो स्टे ट्यून्ड आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल एज मच एज यू कैन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक सो इन फर्स्ट थिंग डिस्कसिंग अबाउट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज व्हाट तो एटमोसफेरिक प्रेशर होता क्या है सबसे पहले हम इसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा बच्चा बता देगा कि प्रेशर जो एग्जेड हो रहा है एटमोसफेयर के बाद से वो एटमोस्फेयर प्रेशर हो जा रहा है क्या ये बेसिकली आपका एक बोलने का तरीका होना चाहिए नहीं क्योंकि अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ वाटर के द्वारा जो प्रेशर एग्जिट किया जाता है वो तो वाटर प्रेशर होगा लेकिन क्या वो होता है नहीं होता है तो आप इस तरीके के डेफिनेशन पे ज्यादातर आप ना जाए ठीक है तो आपको क्या याद करना है आपको याद करना है कंसेप्ट ठीक है कंसेप्ट बेस्ड डेफिनेशन ठीक है तो कंसेप्ट बेस्ड डेफिनेशन याद करने की हमेशा कोशिश किया करिए किसी भी एनवामेंटल साइंस के एग्जाम के लिए हमेशा ठीक है तो बात करते हैं इसके कंसेप्ट बेस्ड डेफिनेशन को समझने की अगर कंसेप्ट बेस्ड डेफिनेशन पे आप जाते हो तो ये क्या बोलता है कि टोटल वेट ऑफ दैसियस मासवन प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ठीक है इससे क्या मतलब क्या टोटल वेट ऑफ गैसेस मास क्या करता है टोटल वेट ऑफ गैसेस मास क्या करता है आप यहाँ पे इस फिगर से बड़े अच्छे समझ सकते हो आप देखो ये टॉप ऑफ द दर है ये यूनिट एरिया है और ये सरफेस है जिस पे ये प्रेशर डाल रहा है ठीक है तो टोटल वेट जो प्रेशर डाले ठीक है गैसियस मास का जो टोटल वेट है वो जो प्रेशर डाले एट ए पर्टिकुलर टाइम उस प्रेशर को हम एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं एट ए गिवन प्लेस में ठीक है तो ये आपको बहुत सटीक डेफिनेशन जो बोला जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर का वो यही होता है फिर अगर हम बात करें इसकी रीजन की तो रीजन क्या होना चाहिए कि रीजन इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ठीक है भाई ये अर्थ है ठीक है ये अर्थ है हमारा ठीक है और यहाँ पे ग्रेविटेशन बहुत हाई ये ठीक है मतलब जी यहाँ पे 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो ग्रेविटेशनल पुल क्या है यहां पे बहुत आइए तो का वेट होगा वो काफी ज्यादा होगा वेट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा ठीक है तो वेट ज्यादा मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा ठीक है तो आपको समझ में आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पूल ऑफ अर्थ जितना ज्यादा होगा वहां पे उतना हमारा वेट ऑफ द गैस होगा और उतना ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा जैसे कि हम अगर मून की बात करें तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो वन सिक्स है अब नाइन पॉइंट एट का अगर आप वन सिक्स बनाते हो तो वो काफी कम हो जाएगा वन पॉइंट समथिंग आएगा तो वन पॉइंट समथिंग आएगा जो उतना अगर आपका ग्रेविटेशनल पुल होगा तो ऑब्वियस है कि वो गैसे मास को होल्ड नहीं कर पाएगा इस वजह से जो मून की सतह पे भी एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत लो होता है ठीक है। थर्ड पॉइंट इज आई एम डिस्क्राइबिंग सपोज करो अगर बात करो ये आपका कॉलम है तो गैस तो यहां पे भी फोर्स अप्लाई करेगा गैस तो यहां पे भी फोर्स डालेगा ठीक है अपने मास की वजह से गैस तो इस कॉलम के यहां पे भी फोर्स डालेगा गैस तो यहाँ पे भी फोर्स डालेगा लेकिन क्या आप इस कॉलम के हर पॉइंट पे आप एटमोस्फेरिक प्रेशर को सेम बताओगे नहीं दैट इज नॉट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका सरफेस पे होना चाहिए सबसे बड़ी चीज है कि वो सरफेस पे होना चाहिए तो इसी वजह से वो उसको वेट बोलता है फोर्स अप्लाइड बाई द गैसियस मॉलिक्यूल्स नहीं बोला जाता है क्योंकि कहीं पे भी आप प्रेशर दे दोगे वो कोई आपका फोर्स नहीं होता है ठीक है क्या होता होता है है यूजिंग किस तरीके से होता है? Mercury और एंड्रॉयड बैरोमीटर ठीक है तो ये आपका एक एग्जाम्पल है आपका फिगर रेटिव एग्जाम्पल है एंड्रॉयड बैरोमीटर का ठीक है दिस इज एंड्रॉयड बैरोमीटर ओके सो आई होप कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा जहां पे कंसेप्ट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है ठीक है अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यूनिट्स की बात करते हैं यहां पे हम खेल रहे हैं यूनिट्स पे स्टैंडर्ड यूनिट्स ठीक है यूनिट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एटमोस्फेरिक प्रेशर के स्टडीज में ठीक है तो एटमोस्फेयर प्रेशर के अगर स्टडीज की हम बात करें जो मिट्यूरोलॉजिस्ट हैं ठीक है जो कि पर जो वायुमंडल विज्ञान ठीक है वायुमंडल विज्ञान वायुमंडल विज्ञान पे जो स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट उनको हम मिट्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं तो मिट्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में मिली बार ठीक है तो मिली बार जो यूनिट होता है उसको यूज किया जाता है था, अब ये मिलीवर होता क्या है मिलीवर इज ए फोर्स दैट प्रोड्यूस हंड्रेड डाइन ठीक है, तो है। डाइन तो को तो बताने की जरूरत नहीं है ये कितना होता है टेन टू दावर माइनस फाइव न्यूटन ठीक है ठीक है टेन टू दि पावर माइनस फाइव न्यूटन अब न्यूटन तो फोर्स अब जानते ही हो अब बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर जो कि सी लेवल पे हो वो कितना होता है 29.92 इंचेस 760 सिक्सटी mm और 1.013.25 मिलीबार और 1.0 जीरो थ्री के जी ये इसका नॉर्मल प्रेशर होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है तो एक्चुअली में बोला जाए तो हम सी लेवल पे इस प्रेशर को जो हम डिफाइन कर रहे हैं इतने सारे यूनिट्स में इसका एक्चुअल मीनिंग आप कैसे समझोगे तो बात करते हैं स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर बाय डेफिनेशन इक्वल्स टू तो कितना होता है सेवन सिक्सटी एम एम और ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन टू इंच मर्क्यूरी फोर्टी सेवन पॉइंट पाउंड स्क्वाच वन जीरो पॉवर थ्री है ये ये थ्री है पर और 1 one standard atmosphere और किलो ठीक है अब इसको पैसकल में अगर कन्वर्ट करो ये वन जीरो पैसकल हो जाएगा ठीक है जिसको हम लिखते हैं हमेशा एटमोस्फेरिक वन एटीएम की वैल्यू ठीक है लेकिन ये होता क्या है इस चीज को समझने की कोशिश करो ठीक है तो सबसे पहले आप इसको एयर कॉलम मान लो ठीक है ये एयर कॉलम जो है एक स्क्वायर इंच कॉलम ऑफ एयर मॉलिक्यूल है ठीक है आपने क्या किया इसको कन्वर्ट किया कैसे एक्सपीरिकल बाउल के शेप में ठीक है एक्सपीरिकल बॉल के शेप में आपने इसको कन्वर्ट किया इतना वॉल्यूम को आपने एक्सपीरिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया और आपने यहां पे उंगली रखा ठीक है तो आपके उंगली पे इतना पाउंड का जब प्रेशर लगेगा ठीक है एक इंच के एरिया में इतना पाउंड का प्रेशर लगेगा तो हम उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे ठीक है तभी हम उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे ठीक है तो ये जो कॉलम ऑफ एयर है ये जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके हाथ में लग रहा है तब हम इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल जो होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है तो आप इसको याद करके रखें कि वन ए जो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट वैल्यू इज दिस ठीक है तो देखो कन्वर्जन आएगा ही आएगा ठीक है एग्जाम में ना दिया हो और आपको किसी न्यूमेरिकल में पूछ दिया हो तो आपको ये वैल्यू याद करने की बहुत जरूरत है तो नोट डाउन इट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस फैक्ट्स नाउ विल डिस्कसिंग अबाउट दी अर्थ एटमोस्फेरिक प्रेशर स्ट्रक्चर ठीक है तो अर्थ का जो एटमोस्फेयर है ठीक है आप उसमें जानते हैं कि अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लेयर ऑलरेडी वी हैव डिड इन दी स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर में तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है यहाँ पे ट्रोपोपोज है यहाँ पे स्टेटोस्फियर है स्ट्रेटोपोज है मेजोपोज है, है, है थर्मोस्पियर है उसके बाद आइनोस्पियर है मैग्नेटोस्पियर है बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर चल रहा है, है एक्सोस्पियर के पार्ट है ठीक है तो अल्टीट्यूड वाइज अब देखो तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है ठीक है टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर रहा है लैप्स रेट के बेसिस पे ठीक है जहां पे जैसे टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है तो ऊपर नीचे टेम्परेचर होने की वजह से है, क्या होता है कि हमारा जो है रेट चेंज होता है ऑब्वियस है लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें प्रेशर इन मिली की हम बात करें ठीक है तो अल्टीट्यूड के साथ आप देख सकते हो सिर्फ यहीं तक सिर्फ यहीं तक आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर का कुछ वैल्यूज दिख रहा है उसके ऊपर जितना ऊपर आप जा रहे हो वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है अब ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने इसको पहले ही पढ़ रखा है क्या कि प्रेशर जो सी लेवल पे हाई इसीलिए है क्योंकि वहां पे कंप्रेसिव वेट ऑफ द गैस अबव देम बट अगर हम बात करें वेट ऑफ द एयर डिक्रीजेस ऊपर जाते जाते डिक्रीज कर जाता है अब कैसे डिक्रीज करता है वो भी जान लो कि सी लेवल पे क्या होता है कि 100 किलो पास्कल मतलब एक लाख पास्कल ठीक है इतना होता है जैसे ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाओगे आपको सांस लेना दिक्कत हो जाएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर जो है कम है तो वो कितना हो जाएगा थर्टी थाउजेंड पासकल थोड़ा और ऊपर चले जाओगे तो कितना हो जाएगा पचास किलोमीटर ऊपर वो जीरो पॉइंट वन किलो पासकल मतलब हंड्रेड पासकल के पास पास पहुंच गया तो मतलब ये डिक्रीज कर रहा है और ऊपर चले जाओगे नब्बे किलोमीटर तो भाई खत्म ही है जीरो पॉइंट जीरो 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 मतलब चार तीन जीरो के बाद वन लग रहा है तो इतना है ठीक है मतलब पॉइंट वन पासकल ठीक है तो पॉइंट वन पासकल इस हाइट पे है तो मतलब समझ लो कि खत्म ही है एयर तो खत्म ही है तो ऑब्वियस बात है कि क्योंकि अर्थ के सरफेस में ग्रेविटी ज्यादा है तो इस वजह से यहीं तक आपको प्रेशर का 28 परसेंट हिस्सा जो है यहीं पे आपको खत्म हो जा रहा है 28 परसेंट यहीं तक है उसके ऊपर जो है वो खत्म हो जा रहा है तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से याद रखें कि प्रेशर जो है वो सिर्फ वेट पर डिपेंड करता है और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई नेक्स्ट हम चलते हैं इनके फैक्टर्स पे तो सबसे जरूरी चीज है द फैक्टर्स दैट एटमोस्फियर प्रेशर इज बिंग एफेक्टेड द फर्स्ट वन इज द देशर तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑब्वियसली रहा है हमेशा क्यों क्योंकि अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो पी वी टू एनआर की हम बात करते हैं ठीक है वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस गैस कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन भी हमको इस चीज की बात बताता है कि जो टेम्परेचर है और उससे प्रेशर हमेशा डिपेंड करता है प्रेशर इज ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम ये बात भी कांठ बांध लो ठीक है अच्छे से याद कर लो सो वेन देशर ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेस द एटमोस्पिर प्रेशर डिक्रीजेस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है

हमने बचपन में ब्रिज के बारे में अच्छे से पढ़ा है अब ब्रिज क्या होते हैं दो तरीके के होते हैं ठीक है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज ठीक है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज दो तरीके की चीजें होती हैं तो अगर आप डे टाइम की बात करो डे टाइम पे होता क्या है डे टाइम पे ये होता है कि जो सी होता है ठीक है और सी होता है और यहां पे लैंड होता है तो डे टाइम में क्या होता है कि बहुत हीटिंग होती है सनरेज की वजह से बहुत ज्यादा हीटिंग होती है ठीक है तो यहाँ पे हीटिंग बनने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा ठीक है और यहाँ पे ऑलरेडी ये हाई प्रेशर जोन पे होगा तो डे टाइम में क्या होगा कि हवा जो है वो आपका किधर टू तो किधर जाएगा आपका सी से लैंड की तरफ जाएगा अब ऐसा क्यों होगा भाई क्योंकि एयर का कंसेप्ट यही है कि एयर यहाँ पे राइज कर रहा है क्योंकि वो लाइट हो जा रहा है एक्सपैंड कर जा रहा है तो हाई प्रेशर जोन से जो एयर है वो उस गैप को अप करेगा सिंपल सी बात है तो हवा का जो बहना है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन में यहाँ पे डे टाइम में हो रहा है इसका ठीक रिवर्स इसका ठीक रिवर्स ये होगा कि आपका जो लैंड होगा वो रात में कूल cool हो गया होगा ठीक है लैंड जो होगा वो रात में कूल cool हो गया होगा अब क्या होगा कि सी जो है वो धीरे धीरे रात में वार्म हो चुका होगा तो यहाँ का जो इलाका होगा वो अब लो प्रेशर जोन पे है ठीक है और लैंड आपका हाई प्रेशर पे है तो आपको यहां से अब लैंड की तरफ से सी की तरफ आपको वो मिलेगा ब्रिज बह, बहता हुआ दिखेगा तो ये क्या है आपका लैंड ब्रिज तो यहाँ पे सी ब्रिज इन डे टाइम एंड लैंड ब्रिज इन नाइट टाइम ठीक है नाइट में लैंड ब्रिज बह रहा है तो ये कंसेप्ट भी इसी चीज को डिफाइन कर रहा है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर एग्जिस्ट करने के वजह से उसका रीजन क्या है हाई प्रेशर लो प्रेशर किस वजह से एग्जिस्ट किया क्योंकि हीटिंग हुआ हीटिंग थर्मल हीटिंग की वजह से लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो गया और जल्दी ठंडा भी हो गया इस वजह से इस ब्रिज का कंसेप्ट आया है तो आपको इस चीज को भी बड़े अच्छे से याद करना है कि आपके आसपास के जो इवेंट्स हैं वो किस तरीके से लिंक किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल टर्म के साथ तभी आप इन चीजों को बड़े अच्छे से याद कर पाओगे ठीक है फैक्ट्स एंड फिगर्स से ज्यादा जरूरी है लिंकिंग विथ योर डे टू डे लाइफ एनवायरमेंटल स्टडीज मीन्स लिंकिंग विथ डे टू डे लाइफ ओके नाउ

क्यों क्योंकि अगर ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे जी बहुत ज्यादा है ठीक है जी बहुत ज्यादा है अब जी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ठीक है बहुत ज्यादा मौजूद होंगे ठीक है जैसे ही ऊपर जाओगे गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इतना इलाके में बहुत ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स मौजूद होगा क्योंकि कॉलम की बात कर रहे हो आप एयर कॉलम की तो एयर कॉलम में लोएस्ट मोस्ट पोर्शन में सबसे ज्यादा गैस मिलेंगे ना यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल मिलेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन हर तरीके के गैसेस के मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पे क्या होंगे स्कैटर्ड होंगे ठीक है क्योंकि कम होगा तो डेंस नहीं होगा सीधी सी बात है तो दिस डेंस लेयर ऑफ एयर लेर द ग्रेटेस्ट प्रेशर तो ग्राउंड पे ग्राउंड पे हाई प्रेशर जैसे कि हमने पढ़ा उस समय क्या एवरेस्ट सी लेवल एंड 90 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऊपर पे क्या-क्या है है प्रेशर हमने इसको इसको पढ़ लिया है. तो इसको हम बताने की जरूरत नहीं है दिस इज वेरी वेरी इजी आपने इस चीज को पहले ही समझ रखा है ठीक है तो अब बस इतना ही याद रखो कि वेट ग्रेविटी वेट ग्रेविटी जो इंटरलिंक्ड है वेट और ग्रेविटी को हमेशा लिंक करते हुए पढ़ो इसको नेक्स्ट थिंग इज द रोटेशन ऑफ अर्थ ठीक है टेक्निकली ये जो पोर्शन है इट इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट कि अर्थ का रोटेशन जो होता है वो एयर को पोल से पुश करता है इक्वेटर की तरफ ठीक है ये है आपका अर्थ और ये है आपका सन ये अर्थ है ये सन है ठीक है ये कुछ मूव कर रहा है अर्थ ऐसे ठीक है इसके चारों तरफ मूव कर रहा है लेकिन मूव कैसे कर रहा है क्लॉकवाइज ठीक है तो अर्थ जब रोटेट करता है ठीक है अर्थ जब ऐसे रोटेट करता है तो पोल की हवा जो है ठीक है पोल की जो हवा है ऑब्वियस वो नीचे की तरफ क्या होगी घूमेगी क्योंकि कोई भी चीज ऐसे मूव करेगा तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ये भी इसके साथ घूमेगा इसी टर्म में तो हवा भी ऐसे ही पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रही होगी लेकिन पोल से जब इक्वेटर की तरफ वो मूव कर रही होती है तो हमको होना चाहिए कंसेप्ट की जो हवा है सारी की सारी यहाँ पे आ जानी चाहिए अचानक से ठीक है लेकिन क्या वो आता है क्या वो आता है नहीं ये कभी होता ही नहीं है क्यों? इक्वेटर में क्या होता है कि इक्वेटर में जो सबसे ज्यादा जो सन रेज है सन रेज सन रेज ठीक है सन रेज सबसे ज्यादा इक्वेटर में क्या होता है हमारा लाई करता है तो सबसे ज्यादा इक्वेटर में लाई करने की वजह से क्या होता है थर्मल इंसुलेशन जो है वहां पे ज्यादा है थर्मल इंसुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो एयर है इक्वेटर पे है ठीक है वो जल्दी ऑपरेट कर जाएगा और वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा ठीक है जबकि पोल में ये चीज होता नहीं है तो ऑब्वियस है कि लैंड का पैटर्न ठीक है लैंड टाइप्स पे भी ये डिपेंड करता है कि जैसा जैसा लैंड टाइप्स होगा उस पे वो चीज डिस्कस होगा तो इस कंसेप्ट को जो है रोटेशन ऑफ अर्थ ये भी एक फैक्टर है लेकिन ऑल्दो ये मतलब हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते कि ये मतलब होता है मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है ऑबवियसली उससे प्रेशर एग्जैक्ट होता है लेकिन वो किस तरीके से बिहेव करता है ये हमको पता होना चाहिए टेक्निकली होना चाहिए ठीक है लेकिन जिस तरीके का रोटेशन की वजह से जो चीज होना चाहिए वो होता नहीं है अभी क्यों नहीं होता क्योंकि लैंड लैंड टाइप्स टाइप्स करते करते हैं अब करते हैं अब जो इनके कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है और विंड बेल्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं तो विंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां पे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि लैटीट्यूडनल वेरिएशन किस तरीके से होता है आपने अभी वर्टिकल वेरिएशन देख लिया है अब हम लैटिट्यूडनल वेरिएशंस आपको दिखाने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट क्लास में इसको हम दिखाएंगे तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा स्टे ट्यून्ड वी विल कमिंग विद दी नेक्स्ट लेसन दैट शुड बी द विंड बेल्ट्स जहां पे आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि किस वजह से कहां पे हाई प्रेशर कहां पे लो प्रेशर और किस वजह से वो चीज एग्जिस्ट करता है हैव नाइस डे